हेलो जी, नमस्कार। राम राम। जय बाबा की। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। मेरे YouTube के सभी परिवार वालों, आज हमारा मिशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आज 5 दिन में हमने कंप्लीट कर लिया सफर सारा। 6ठा दिन है और मात्र बाबा जी 10 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर है तो अब हम 6 बजे हैं। और गांगू नाम क्या? खुड़ी पंजाबी नाम लग रहा है। खुड़ी में रात रेस्ट किया, रुका। अब सुबह उठा, सारा भगत नहा धो के एकदम तैयार है। अंकित तो सारा ही उड़ावनी कर दी, जगह कच्छा बन कच्छा बांट दिया, तोलिया बन तोलिया बांट दिया, टी शर्ट बांट दी, गुंडों कच्छा बांट। और अब सारा यात्रा आराम रवाना करांगा। मात्र 10 किलोमीटर 2 घंटा का रास्ता रही है। जाके आज बाबा के दर्शन कर दिए और वापिस मेड़ो घूम गए। पिमटी पामटी लियांगा मेले में, फिर मेले की रवानगी लियांगा। और आप सबका इतना प्यार बना रहा, इतना आशीर्वाद बना रहा, आज के ब्लॉग में आपको और ज्यादा आनंद आएगा। आप कमेंट करके हमें बताते रहें हमारी ट्रेवल आपको कैसे लगी। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी। चलो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम ही। ए जोधरी जाऊंगा ने कुतिया ने गेर के धानी रोटी दो तो थे रख लियो, बाकी मैं किसी दिया। ओ कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, हो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति। कोई केस कहे कि मैं 200 प्लस किलोमीटर चल गया हूँ, हमारे सारे टीम वालों की फेंपी आ रही है, लेकिन मर्द को दर्द नहीं होता। जय बाबा की। जय बाबा की। बा मार्ग में क्या है, आर्मी बहुत आती ट्रेनिंग की, तो मैं बा खातर तो दही लस्सी ले जाता। बे मन 20 शहर पर फिल्म दिखाता, कभी कभी पहली फिल्म 20 शहर पर राम तेरी गंगा मैली में फौजी दिखाई। हाँ। तो सारो गांव बैठ के देखा भी, और डब्बे में फिल्म चल है, मैं भी चक्कर काटूँ भी आएंगे अंदर की भी है। हाँ। तो एक अलग जगह। आज नंगे पैरी कैसे? चप्पल चोरी हो गई। हर आदमी अपना अपना मकसद लेके आता है यहाँ। पिताजी बताते थे कि जेब काटने वाला भी अरदास करे परमात्मा मेड़ो लगवा जल्दी जल्दी से, को माना कोई जेब काटने का मौका मिले। तो बेचारे कोई तंग आड़ा वो भी चप्पल पैर के, वो भी चप्पल पैर जाए एक दूसरे की रोड़ की दौड़ हो जाए ना। मेरे लिए कोई पैर क्यों, मेरी हिम्मत कौन पड़ी कहीं और की पैर नहीं। तो मुझे अब चलो 8 किलोमीटर है, वैसे ही लगा देंगे ना। हाँ जी, लोग छुट्टे बहुत दूर हो, लेकिन रोजाना 4 शो के साथ में देखेगा हिंदी फिल्म जानी दुश्मन तेरे हाथों में बना। टीवी देखो कौन, फिल्म देखो बनावा क्या कर। बॉम्बे को निजी थे बॉम्बे की जा इज्जत भेजा, तो बॉम्बे में एकदम के कर दे, फिल्म देखो नहीं टीवी देखो नहीं। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। खुराक है चौधरी, खुराक है। जना चढ़ता था छोले छोले बड़े पोले, नमकीन छोले, नींबू वाले छोले, दाल छोले। तो स्विम 3 बार फेल बताओ। मन मजदूरी की जरूरत थी, मन गंगानगर मिल गई कपड़ा मिल में, मैं मजदूरी कर ली। मार तो नहीं गा दूध कौन दे, तो मैं तो रूपनाथ जी थारी ओट ली और 20 दिन गा दू आ गई। राजस्थान का अध्यक्ष बना रहे हैं, MLA का टिकट देंगे, मगर नहीं मेरे को राजनीति अच्छी नहीं लगती। रूपनाथ जी को क्रेज है, खैली जी को है? रूपनाथ जी को। संजीव बाबा आज फुल फॉर्म में। हाँ आज फॉर्म में, आज तो हौसलो हो रखे बाबू तो आ गयो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहा अजय बाबा मारा गानी मैं पू गया बाबा गानी। yes. साफ सफाई रखनी चाहिए गाइस, धन्यवाद। बहुत शानदार और सब बड़ी बात है, खैली जी को जतो बड़ो नाम है ना, बी ज्यादा ये जमीन जुड़ेड़ा है। मतलब मैं कम से कम 3 किलोमीटर हूँ, आगे 7 में हूँ, तो छोटो सो टाबर भी मिले हो तो भी ये साबू बात करिए जी। आप नॉर्मल अपने टाबर बात करा तो यहाँ को स्वभाव और थे बटीन देख सको अभी भी कह 200 किलोमीटर को सफर है बे ई साबुन तय करे हुए भाई। बात है क्या चोखो नाम हो जाना, आंगली उठा बाड़ा तो 1000 हुए हैं, लेकिन बे ये चलता रहे, वह काम करना सब कुछ ओके है। धन्यवाद। ओके टाटा, बाय 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 भैया। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर है सालासर दरबार, तो आई होप अभी थोड़ी देर में हम पहुँच के आपको भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे फिर और सालासर मेला दिखाएंगे आपको। अभी शुरू से सफ़र कैसा रहा,
पहला ब्लॉक पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, अब सारे ब्लॉक हमारे चैनल ख्याली कॉमेडियन यूट्यूब पर हैं, उनको आप देखिए, आपको आनंद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद यात्रा कर रहे हो साथ साथ। और हमें कमेंट करके बताना भी हमारा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। वो सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। सिया राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, सीता की खोज करी तुमने, सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। जी लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा हो। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। हेलो, दो साथी हमारे जयन साहब और संजय बैठो आराम। पहलो धन्यवाद तो साला सर आला बाबा को, दूसरो धन्यवाद रूपनाथ को जो मान दोना ले आयो। तो फिर मैं एक नहीं इल्ला मोड़ पर रेडियो, एक नहीं इल्ला मोड़ पर रेडियो, चलो कौन की चाल लाग ठोके साला सर मत है। ब्लॉग देख देख के आधा एक हिंदुस्तान में पता लग गया कि मैं पैदल यात्रा पर हूं। मेरा साथी है सगे संजय कुमार, संदीप और शाग जी, महावीर बिश्नोई, जयन साहब मारे, अंकित, राजेंद्र। थार तय समाचार पुग्यो नहीं, पीछे बड़ी मेहनत है भाई, इन्हें पूरा शूटिंग करनो, फिर भी ना रात ना 2 बजे तक एडिट करनो, फिर भी ना चैनल पर लगानो, और सारी की सारी मेहनत जकी है आ मानव करिया। वाह 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 वाह, के बात है, के बात है, के बात, वाह 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 भाई। इतनी बात हुई भी मेरे रोल आ जान से मेरी तारीफ कर दी गई। आप बहुत बढ़िया सफल यात्रा रही, बहुत भाई पहली बार मिले जुले आप आपस में एक दूसरे हूँ, तो एक पारिवारिक रिश्ता भी बन गया। अब सारा जा गया, आप धोख मारेंगे बाबा की, और खानो मेरी तरफ हुआ है। धोख के बाद में सारा का सारा भोजन कर गए, फिर आगे मेड़ो घूमनो है, गांव चालनो है, आगे को आप फैसला लेना है, तो फिर सारा नंता पर इनवाइट हो। मैं पेमटी लेसी हूं हैं, पेमटी कौन लेकर है, वो वोट पार्ट जे ज्यादा पेमटी ले ले लो, गुड्डी खेलो गा भाई जी, गुड्डी ले शोगे थे। मैं थोड़ा सारो ले शू थकड़ो। चलो तने एक मादलियो दी रा देंगे, मां बाबा की फोटो हो गया। लो जी सेब आ चुके हैं, सभी लोग सेब का आनंद ले रहे हैं। मीठो है सर, जोरदार मीठो है, कश्मीर को सेब है, बढ़िया ले गया है बटू स्पेशल। मैं कौन बनाऊं यार कॉफी कॉफी, मेरो मेरो जी कौन करे तब की यार कॉफी बनाने। अरे कोई नहीं भाई जी, मैं कौन बनाऊं यार। अरे थाने बना के देश है भाई जी मैं। हां फिर ठीक है, फिर मैं भाई जी पी लूंगा कॉफी, बढ़िया बढ़िया कॉफी बनाऊं पी लिया जी सोरा। अरे ओ भाई जी ओल मुआ जी ना करो यार। लो जी कॉफी बन रही है यहां पे, महावीर जी कॉफी के इंचार्ज है। अरे हमारा पीणिया भगत है। लो जी हमारी यात्रा मंगल रही, पूर्ण हो गई है। अब हम नहा धो के सब यात्री तैयार हो गए हैं, और अब प्रभु का दरबार सिर्फ 300 मीटर दूर है, वहाँ जाके मत्था टेकेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। वहाँ जाने से पहले हनुमान चालीसा आप भी साथ साथ करिए। लंकेश्वर भय सब जग जाना, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए श्री सा की गोरीसा, राम लखन सीता सहित हर देव ससुर भूषिया। राम जय जय राम, सियावर राम।
जय हो वीर बजरंगबली की जय हो जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। कॉफी लो जी भक्तों के लिए कॉफी आ गई है और सब भगत कॉफी का आनंद ले रहे हैं और कॉफी पीने के बाद सभी दर्शन के लिए निकलेंगे। इनमें पूछो राजेश ने मैं कॉफी क्या लगा है कहे तो चाय थोड़ी सी नीचे लगा दी है। मैं अंकल जाकर कर ली दो यात्रा तगड़ी, एक तो अमरनाथ की कर ली, एक कर ली सलासर की, तगड़ी शानदार रही है। अब का आगे करांगा देखा वैष्णो देवी कर लिया। पैदल को तो विचार कोनी, बाकी आगे बाबा की मेहर हुई सलासर पैदल आ जाऊंगा, वैष्णो देवी तो कोई गाड़ी कोई नहीं, नहीं अब गाड़ी लेगी हरिद्वार अमृतसर है वैष्णो देवी एक वो केदारनाथ है अंकल जी। अब इसी यात्रा का मिंदर गए 1 किलोमीटर तक गाड़ी किलोमीटर भटके से बैठे बैठे गया तो पैदल पैदल चलो जिनको बा ठीक है पर हर जगह तकलीफ माड़ी मोटी तो वही है। शानदार रही दोनों यात्रा आदमी थे। देखो आज है आपने रूपनाथ जी तो सगला एक जगह जाओ और रूपनाथ जी की आप अखबार में फोटो लगावा खबर लगावा कि रूपनाथ जी ने किए बालाजी के दर्शन। मेरा नाम बाबूलाल राव है, मैं यहाँ पे राजस्थान पत्रिका और फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल में काम करता हूँ। बोले बाला साहब की जय, गोंदा जी महाराज की जय, नाथ जी महाराज की जय, सालासर दरबार की जय। बोलो रूपनाथ बाबा की जय। लो जी सालासर हम सब पहुंच गए हैं और अब बालाजी के धाम पे चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं, हम खुद भी दर्शन करते हैं। मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, खिलौना को मार्केट ज्यादा चला है, खिलौना और मिठाई दो चीज यहाँ सबसे ज्यादा चल रही है। लोकल निवासी करेगा, लोकल निवासी भी कर रखी है, आसपास का लोग भी करे, मतलब मेले की वजह से सारा का घर चला है, मंदिर के कारण सब रोजगार। बढ़िया बढ़िया, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, वीर बजरंग बली हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद। और अच्छा अच्छा वो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना हो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। चूरमा का प्रसाद हमने ले लिया है, अब हम बालाजी का मत्था टेकने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। बालाजी महाराज मनोकामना पूरी हो गई है। बंटी महाराज, बंटी महाराज जी, अरे ओ चमत्कार क्या कर दियो, 500 पैसे के रहे आज ने। दर्शन कर लिए बालाजी महाराज के, हमारी यात्रा सफल रही, पूरी हो गई, फाला थकावट सब खत्म हो गई और आती बंटी महाराज के दर्शन हो गए और हम जोश में आ गए और ये आनंद करवाता रहे सब नरिये पैदल जाता रहे, ये मनोकामना पूरी सांगी करवाता रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। अरे यात्रा की हरी सांगी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। वो तसल्ली करा दी सांगी साला सर की चार कड़क 250 किलोमीटर की थकावट उतार दी एक घूंट में। बंटी महाराज जी यहाँ मुख्य पुजारी है साला सर धाम में और इनको हम प्यार से मजाक से फिल्मी पंडित कहते हैं क्योंकि इनका बॉम्बे ज़्यादा आना जाना रहता है। गोविंदा का परिवार है, अनुपम खेर जी का है, राजपाल यादव जी का है और हमें मिलाने वाले छपरवाल जी मनोज छपरवाल, तो उनका मतलब बॉम्बे से जितने भी राजस्थानी लोग हैं वहाँ के आर्टिस्ट जो यहाँ बालाजी धाम सालासर से जुड़े हुए हैं वो लगभग बंटी महाराज जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके हमेशा कृपा आशीर्वाद
मार्गदर्शन रहता है। अरे सारंगी थकान उतर गई के? उतर गई। हाँ तो फिर जानता भी पैदल चलेंगे। गाड़ी में ले जा भाई साहब, अगले साल पैदल लीजिए। पैदल तो गाड़ी तो भूख से बहुत है। छह महीना बाद है, छह साल में हमारे सेवादार है अंकित जी और महावीर भाई बिश्नोई, तो मैंने धक्के ले आया गर्म पानी चाह खानो बहुत मस्त गद्दा गुद्दा लगा के। अच्छा थकड़ा सेवादार, अच्छा बेचारा सेवा करे गर्म पानी चाह गद्दा सब, लेकिन अब थकड़ा अकेड़ा रीस की पर करना रोला या ना करना ऊंचा कर नहीं यार नीचा कर ले के भाई जी यार कर तो लाग रहा। अब दिन में उठ के अफसोस हुआ यार बन रोला कर दिया बेचारा भाई तो लाग रहा भाषा तो ठीक करना है। सला सर धाम के मंदिर प्रांगण में हम भोजन कर रहे हैं। छह दिन की यात्रा 225 किलोमीटर की समाप्त हुई। सारे माला डाल के ऐसे बैठे जैसे जंग जीत के आए हैं। लो जी दर्शन हो गए हैं, अब हम भी भोजन खाते हैं। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा था, जितने भी लोग थे वो मानते नहीं थे उनको, ये हनुमान चालीसा नहीं है, तो स्वयं शंकर भगवान ने उस पर मोहर लगाई अपनी और फिर ये हनुमान चालीसा सिद्ध हुआ। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ हर आदमी को करना चाहिए। जय श्री बालाजी की जय माता। मेला देखने जा रहे हैं, मेला चार दिन का, पहली तो मेला मानता रिश्तेदारियाँ कर लेता रिश्ता हो जाता है क्यों भाई राकेश? जरूर जरूर। और अब आजकल साधन संपन्न हो गया, दिन दिन में हुआ दूर दूर आता मेल मिलाप हो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान, तुम्हारा क्या कहना हो तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तीन जोड़ी सब तीन जोड़ी चलो तीन जोड़ी दे। अंजनी माता का मंदिर है, हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनी जी था और अंजनी माता का मंदिर मैंने वर्ल्ड में अब तक यही देखा है, हो सकता है कहीं और भी होगा पर मैंने यही देखा है, ये अंजनी माता का मंदिर। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, कलयुग में इष्ट हो देव तुम्हें हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। मैंने तुझको हमलो होने वाला है, सारा दुकाना बंद कर करके भाज जाओ। कैरी ऑन आक्रमण, दगड़ 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 भाज जाओ, सेना आ गई सफल बनाए। और रावण जाऊन लाग रहे, रावण बाड़ो आज ही बाड़ो किसा दशहरो है, दगड़ 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 दगड़। ओ जय बाबा की, मथे टेक लिया दर्शन कर लिए धोख मार लिया बढ़िया, और मेला भी देख के आए। जब अंजनी माता के मंदिर में गए वापिस आए, बच्चों के लिए खिलौने था भी खरीदे, और ये देख लो हालत आप ये बयां कर रहे हैं 250 किलोमीटर। ये देखो बहुत ज्यादा पेड़ थी सबके पेड़ से, लेकिन हमने वो दिखाया नहीं, बाकी सब मोटिवेट रहे
जो आ रहे हैं चल रहे हैं अभी इस टाइम वो ना हार मान जाए। दिक्कत तो होती है दोस्तों, 40-50 किलोमीटर रोज पैदल चलना, रोज चलना, फिर अगले दिन फिर चलना, इतना बड़ा है ये देखो एक घाव है ना ये इतना बड़ा। कुल मिला के सफर ठीक रहा, आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं। मैं अब फ्री हो गया, मैं सबके कमेंट पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा कि किसी ने क्या क्या लिखा है, और रास्ते की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। ये था हमारा रावत सर से साला सर तक की 210 किलोमीटर की पैदल यात्रा का विवरण, जो आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, बहुत देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, जय बाबा की। लो जी हम सब चल पड़े हैं। अंकित भाई जी थान तो आई इतनी टाइम लागत तो नहीं, 2-3 मिनट ही लागत भाई। मारे बढ़िया के है, माने मारे सिस्टम भी है बढ़िया हो, माने मतलब थारी यहाँ इतनी टेंशन कौन रही थी भाई, माने ठाओ थे आराम होगा चलोगा कोई प्रकार की सारी समस्या तो रास्ते में है कौन ही। मारे आगे देखो बढ़िया जी क्या देखनी थाने कटे रोकना है क्या रोकना है, तो भी चीज़ की मारे ज़्यादा टेंशन होती। जहाँ हम सारे इकट्ठे हुए थे, आधा संघ हमारा 18 स्पीडी से आया था, और एक मेंबर हमारे विनोद मील जयन जो इधर से आए थे, हम इधर से आए थे, वो उधर से आए थे, सारे यहीं से इकट्ठे होके चले थे, और यहीं से सबसे पहले विदाई विनोद भाई ले रहे हैं। मानव ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे चलो चलो चलो, कोई लोकल सवारी ना हो राव सर रुकेगी गाड़ी सीधी। लो जी रावत सर घर पे आ चुके हैं। कैसे हो मम्मी? बस बढ़िया अच्छी हूँ, आपसे सबसे अच्छी हूँ। बस 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 हो गया, नमस्ते हो गई। थन लगे मैं 5 दिन का 6 दिन का चलना? अब ना दिन का लाग चो मन तो हम लोग होते हैं। हेलो जी जय श्री बालाजी। इस तरह से हमारी ये साला सर की पैदल यात्रा कंप्लीट होती है, जो हनुमानगढ़ जिले से शुरू करी थी, ये हमारे गांव 18 स्पीडी से आए थे, मैं राव सर से शामिल हुआ, और बहुत अच्छी यात्रा रही। पग गया जका यहाँ चस 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 कर जी, हमें जानते जय बाबा की, जय बाबा की करा। आप लोगों का बहुत साथ मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। अब मैं घर पहुंच गया हूँ, रिलैक्स हूँ, अब सारे कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। जोर से बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो। और कोई कहना चाहता है यात्रा के बारे में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम और भी जाएंगे। आने जाने में सफर बहुत बढ़िया हो, बस बैठने में दिक्कत थी। मैं तो ग्रुप में भी नाम लिखा दियो, मैं तो पक्को ही जाऊंगा अगले लिख के। मन्नत के जोरा होगा गाड़ी से डेढ़ा ना पांच गेड़ा और बना ले। बहुत बढ़िया सफर, बहुत ही बढ़िया सफर रहे हो, बहुत शानदार यात्रा रही। ख्याली अंकल सागा तो भी यात्रा और ही बहुत शानदार होगी, कोई थकेलो को नहीं आयो, बहुत बढ़िया अंगो साथ मिले। हाँ यहीं से धोकमार्ग के शुरू हुए थे, यहीं से वापस आ गए, और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, आप लोगों ने बहुत साथ दिया। कल एक नया वीडियो आएगा जिसमें मैं आप सब जितने भी वन डे सफ़र, दूसरे डे, तीसरा डे, चौथा डे जितने कमेंट्स थे वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और रास्ते के बहुत सारे किस्से जो ब्लॉग में नहीं आ पाए वो भी आपको सुनाऊंगा, और आगे आगे ये डेली हमारी दिनचर्या चलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप के जरिए अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। हमारे एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छी अच्छी जागरूकता भी चली रहेगी, और ऐसी यात्रा साल में एक बार होनी भी चाहिए। साइंटिफिक कारण ये है कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही हो जाता है, और आध्यात्मिक कारण ये है कि 5 दिन परमात्मा में ध्यान लगा रहता है। बोलिए वीर बजरंग बली की जय।